हेलो एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल सो गाइज़ आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन जिसको हमने चेक पैटर्न में बनाया है सो so गाइज़ इससे पहले जो मैंने ये डिज़ाइन शलवार में बनाया था तो वो वीडियो आपने बहुत ज़्यादा पसंद की एंड उसमें मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई है कि आप ये सेम डिज़ाइन नेक में भी बनाइए हमें फुल सूट बनाना है स्लीव में और नेक में तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो है सो so, ये नेक बनाने के लिए पहले हमने अपनी कोई भी सिंपल कुर्ती कट कर लेनी है या फिर ब्लाउज में बना रहे हैं तो ब्लाउज में भी आप बना सकते हैं उसके बाद हमने इसमें फ्यूजिंग पेपर लेना है तो ये थोड़ा सा हार्ड वाला फ्यूजिंग पेपर है इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ग्यारह इंच ली है आप इसकी चौड़ाई एक दो इंच बढ़ा सकते हैं और इसकी जो लंबाई है वो मैंने आ, 14 इंच ली है सो लंबाई में भी आप बढ़ा सकते हैं तो डिपेंड करता है आपका साइज क्या है उसी के हिसाब से आप लंबाई चौड़ाई बढ़ा लीजिए अब इसको मैंने हाफ में फ़ोल्ड कर लिया है और जो फ्यूजिंग पेपर है वो थोड़ा सा हार्ड है सॉफ़्ट नहीं होना चाहिए इसके बाद देखिए ऊपर से जो कंधी डाउन है हमने यहाँ पर बराबर रख कर कंधी डाउन कर दी है इस तरह से और यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी जो लंबाई है वो मैंने फोटीन इंच ली है आपकी शोल्डर से लेकर कमर तक की लेंथ जितनी भी है या आप जितना भी लंबाई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं आ, फ्यूजिंग पेपर की उतनी ही लंबाई लीजिए और यहाँ से आधा इंच के बाद आप इसकी चौड़ाई अपने शोल्डर के हिसाब से ले सकते हैं बस आधा इंच कम कर दीजिए तो मैंने जो इसकी चौड़ाई है हाफ करके साढ़े पाँच इंच ली है अब देखिए इसको हमने हाफ में फोल्ड कर लेना है इस तरह से इसके बाद नेक की जितनी भी आप चौड़ाई लंबाई लेते हैं बस वो मार्क करना है मैं तीन इंच नेक की चौड़ाई ले रही हूँ और नेक की जो लंबाई है वो मैं पाँच इंच ले रही हूँ सो यहाँ पर नेक की लंबाई चौड़ाई आप जितना भी पहनना पसंद करते हैं उतना ही लेना है अब एक मैंने बॉक्स बना लिया है और इसमें हम नेक की शेप दे देंगे इस तरह से ऐसे करके अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है सो यहाँ से हमने जो मार्किंग की है उसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से तो लीजिए ये हमारा जो पैटर्न है वो कट हो चुका है अब इसके ऊपर हमने जो मार्किंग करनी है तो देखिए इसकी जो फ्यूजिंग पेपर की ग्लू वाली साइड है ये वाली यहाँ पर थोड़ा शाइन होता है सो मार्किंग हम इस साइड नहीं करेंगे इसकी जो रफ साइड होती है यहाँ पर हमने मार्किंग करनी है जो चैक पैटर्न बनाने हैं इस साइड में बनाने हैं सो ग्लू वाली साइड मैंने नीचे रख ली है इसके बाद इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर पकड़कर हम एक तिरछी क्रीज बना लेंगे सो ये इसमें क्रीज आ गई है अब इस क्रीज के ऊपर मैं स्केल रख रही हूँ और यहाँ पर हमने इसके बराबर मार्क कर देना है इसके बाद हमने जो भी हमारे स्केल की चौड़ाई है उसको लेते हुए यहाँ से दूसरी साइड में मार्क करना है इस तरह से जो मेरा स्केल है वो लगभग सवा इंच चौड़ा है अब इसके बराबर बराबर हमने सारी मार्किंग इसी तरह से तिरछा करके कर लेनी है सो so, पहले हमने एक साइड में ये तिरछा फोल्ड करके क्रीज बनाई और उसी के अकॉर्डिंग ये सारी मार्किंग ऐसे कर लेनी है सो so, ध्यान से सारी मार्किंग करेंगे कोई भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए बस स्केल की चौड़ाई के हिसाब से लेते हुए हमने ये सारी मार्किंग को कंप्लीट कर लेना है अब देखिए पहले हमने इस तरह से फोल्ड किया था अब हमने इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ भी हमने एक क्रीज बना लेनी है एंड इस क्रीज़ के ऊपर हम स्केल रखेंगे और मार्क करेंगे सो so, इस तरह से जब हम मार्क करेंगे तो हमारे जो चेक पैटर्न है वो परफेक्ट बनेंगे ऐसे करके और अब इस साइड में भी हमने स्केल के बराबर बराबर ही सारी मार्किंग कर लेनी है ये देखिए इस तरह से सारी मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है अब ये जो नेक डिज़ाइन है मैं स्क्वायर शेप में बना रही हूँ आप यहाँ से कट करके राउंड शेप में भी बना सकते हैं बट मैं आपसे सजेस्ट करूँगी आप इसको स्क्वायर शेप में बनाएं तो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा अब देखिए हमने अपना कुर्ती ले लेनी है सो so, कुर्ती की ये रॉन्ग साइड है अब हमने इसके ऊपर फ्यूजिंग पेपर का जो ये पैटर्न है ये रखना है अब इनकी सेंटर ध्यान रख लेने हैं ये कुर्ती में जो मैंने क्रीज बनाई है यही हमारे सेंटर uh, है तो फ्यूजिंग पेपर के सेंटर को इसके ऊपर रखेंगे बराबर मिलाते हुए और इसके ऊपर हमने आयरन कर लेनी है सो so, ग्लू वाली जो साइड है वो फैब्रिक की तरफ चली गई है और जब हम इसके ऊपर करेंगे तो अच्छे से इसके ऊपर पेस्ट हो जाएगा ये देखिए हमने इसके ऊपर आयरन कर ली है और ये अच्छी तरह से पेस्ट हो चुका है इसके बाद हमने इस पर जो मार्क करना है वो यहाँ ध्यान रखना है एक जो चेक है वो हमने आ, कवर करना है और एक चेक की जो लाइन है वो छोड़नी है तो एक के बाद एक हमने इस पर मार्किंग करनी है ये देखिए इस तरह से मैं एक लाइन बिल्कुल बराबर मिलाते हुए ये प्लस के मार्क कर रही हूँ और उसके बाद इसकी जो ऊपर वाली लाइन है वो हम छोड़ देंगे और अब हमने उससे अगला जो चेक है वो मार्क करना है तो जितने भी चेक में कट कर रही हूँ इनमें प्लस का निशान लगा रही हूँ सो जितने भी प्लस होंगे उन पर हमने कट करना है और जिन पर हम प्लस के मार्क नहीं कर रहे हैं वो कट नहीं करेंगे सो एक कॉलम हम छोड़ रहे हैं और एक पर मार्क कर रहे हैं या फिर आप इस तरह से लंबाई में भी चेक कर सकते हैं लंबाई में एक खाना छोड़ना है और एक पर मार्क करना है अब जिन जिन पर हमने प्लस का मार्क किया है उनको हमने इसी तरह से कट करना है तो जब हम इसमें इसको इस तरह से कट करेंगे यानी प्लस के मार्क पर हमने कट करना है और ये जो कॉर्नर है चार कॉर्नर इसके बन जाएंगे ऐसे करके और उसके बाद हम ये जो कॉर्नर है अंदर की तरफ ऐसे करके टर्न करेंगे ये देखिए इस तरह से सो so, यहाँ से जब हम इसको टर्न करेंगे तो ये जो स्क्वायर शेप है ये आप देख सकते हैं अब इसके आगे वाला जो हमने कॉलम मार्क किया है प्लस करके सेम प्लस पे हमने कटर की हेल्प से ये कट लगा देना है यहाँ तक और बिल्कुल इसी तरह से इसके चारों कॉर्नर भी जो हैं, बाहर की तरफ आ जाएंगे निकलकर यानी रॉन्ग साइड में हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और उसके ऊपर आयरन कर देंगे अब बाकी जितने भी हमने प्लस के मार्क किए हैं उनको ऐसे ही करके हम कट करेंगे और उसके ऊपर हम आयरन कर देंगे इस तरह से सभी को हमने इस तरह से कट करके आयरन कर लिए देख सकते हैं आप और आयरन को मैंने थोड़ा सा तेज़ करके किया है ताकि जो इसका फैब्रिक और फ्यूजिंग पेपर है वो अच्छी तरह से फोल्ड रहे और बाहर सीधी तरफ ना निकले अब इसको हम सीधा कर लेंगे ये देखिए ये सीधी साइड है बहुत ही फिनिशिंग के साथ हो जाता है बस आयरन को आप थोड़ा सा तेज़ कर लीजिए और ये हमारा यहाँ से नेक बनेगा अब देखिए डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए मैंने एक ब्लैक फैब्रिक लिया है जो कि हम इसके नीचे लगाएंगे और डिज़ाइन को थोड़ा सा और क्रिएटिव बनाने के लिए मैंने ये डिज़ाइनर लाइक्रा फैब्रिक लिया है जिसके ऊपर सीक्वेंस वर्क है सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा फैब्रिक है आप किसी भी तरह का डिजाइनर फैब्रिक इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये नेट फैब्रिक है तो इसके नीचे मैं ये ब्लैक फैब्रिक लगा रही हूँ यानी एज ए अस्तर मैं इसके नीचे ये फिक्स करूँगी इस तरह से और दोनों फैब्रिक की जो लंबाई चौड़ाई है वो हमारे नेक के पैटर्न से लंबाई चौड़ाई में एक डेढ़ इंच एक्स्ट्रा रहेगी ताकि जो नीचे का डिज़ाइन है वो पूरी तरह से इस फैब्रिक में कवर हो जाए ये देखिए ऐसे करके हमने जो नीचे के फैब्रिक हैं वो पैटर्न से थोड़े से लंबाई चौड़ाई में बड़े लेने हैं सो दोनों फैब्रिक की लंबाई चौड़ाई इसी के हिसाब से रखनी है ताकि जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छे से बने तो नीचे के दोनों जो फैब्रिक हैं उनकी लंबाई चौड़ाई बराबर ही रहेगी पैटर्न के अकॉर्डिंग इसके बाद अब हम इसको चारों तरफ से सिलाई लगाकर सिक्योर कर देंगे इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है अब इसके ऊपर हम अपना नेक रखेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं जहाँ पर हमारी फ्यूजिंग पेपर है उससे थोड़ा थोड़ा सा और एक्स्ट्रा है हमारी ये दोनों ब्लैक फैब्रिक और लंबाई में भी लगभग एक से डेढ़ इंच हमारा एक्स्ट्रा है नीचे अब यहाँ पर मैं इसको पिन लगा कर सिक्योर कर दूँगी ताकि नीचे का फैब्रिक इधर उधर ना भागे और ये एक जगह रहे सो चारों तरफ मैं इसके ऊपर पिन लगा दूँगी अच्छी तरह से पिन लगाने के बाद ये देख सकते हैं आप अब हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है ये देखिए इस तरह से ये पिन लगाने के बाद रहेगा अब जो सिलाई लगानी है वो हम अपने चैक पैटर्न के किनारे किनारे पर लगाएंगे इस तरह से सो बहुत ही आसानी के साथ इसके ऊपर सिलाई लग जाएगी तो चलिए इसके ऊपर सिलाई कैसे लगानी है वो देख लेते हैं तो कहीं से भी हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे सो मैं नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ ये देखिए उसके बाद हमने सिलाई को बिल्कुल किनारे पर लगाना है जो हमारा येलो फैब्रिक है मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ और ऊपर जो धागा है और नीचे जो धागा है वो मैंने येलो कलर का ही डाला है अब कहीं भी हमें सिलाई को निकालने की ज़रूरत नहीं है एक ही सिलाई में हमारा पूरा ये कवर हो जाएगा तो यहाँ से आपको बार बार सिलाई बदलने की ज़रूरत नहीं होगी सो तो इस तरह से जब आप सिलाई लगाएंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा आपको किधर टर्न करना है सिलाई के लिए ऐसे करके और जो स्क्वायर है उनके चारों तरफ हमारी सिलाई इसी तरह से आ जाएगी और कहीं भी हमें सिलाई निकालने की ज़रूरत नहीं होगी हालांकि अगर धागा टूटता है या फिर नीचे का थ्रेड ख़त्म होता है तो दूसरी बात है अदरवाइज़ कहीं भी धागा निकालने की ज़रूरत नहीं होगी सो so, मैं आपको पूरा करके स्टिच करके दिखाऊंगी मैंने कहीं भी सिलाई को नहीं निकाला है और एक ही सिलाई में हमारा ये सब सिल जाएगा सो so, गाइज इससे पहले जो मैंने ये शलवार का डिज़ाइन डाला था उसमें मैंने सीक्वेंस फैब्रिक नहीं सिंपल प्लेन ब्लैक कलर का फैब्रिक लगाया था जो कि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया तो उम्मीद करूँगी ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी और आप इसको ढेर सारा प्यार देंगे तो लीजिए ये जो सिलाइयाँ है सभी को लगाकर मैंने कंप्लीट कर लिया है इस तरह से हमारा नेक तैयार हो गया है ये देखिए और इस साइड का जो फैब्रिक है आप चाहें तो यहाँ पर एक बार फोल्ड करके सिलाई लगा दीजिए अंदर की तरफ या फिर आप इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं हालांकि इस पर ना तो सिलाई करने की ज़रूरत है ना ही तुरपाई इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए अब देखिए जो हमने सिलाई लगाई है जितने भी हमारे कॉलम थे उनके किनारे किनारे पर हमने इस तरह से सिलाई लगाइए बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई लगेगी और कहीं भी आपको चेंज करने का साइड चेंज करने की जरूरत नहीं होगी जब आप सिलाई करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा आपको किस साइड में जाना है और किस तरफ सिलना है पूरी सिलाई एक ही साथ हो जाएगी और कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बस आप ध्यान से स्टिच करें तो लीजिए ये हमारा जो डिज़ाइन है वो बन चुका है अब हमने इसका नेक बनाना है तो नेक आप यहाँ पर कैनवास के साथ भी बना सकते हैं या फिर आप पाइपिंग या फिर राउंड स्ट्रिप के साथ भी बना सकते हैं तो नेक को मैं देखिए राउंड स्ट्रिप के साथ कट करूँगी उसके लिए मैंने ब्लैक कलर का फैब्रिक लिया है इसको मैं डबल फोल्ड करके रखूंगी और फोल्ड वाली साइड जो है वो नेक की साइड है इसके बाद इससे हमने अपना जो नेक का पैटर्न कट किया था ये उसी में से निकला हुआ है तो इसके बराबर ही मुझे नेक की लंबाई चौड़ाई चाहिए तो मैं इसको रख कर ट्रेस कर लूँगी और अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है यहाँ से कटिंग करने के बाद जो हमारी राउंड स्ट्रिप है उसकी चौड़ाई डेढ़ से दो इंच लेकर कट कर लेंगे सो तो ये जो नेक है बहुत ही आसानी से और फिनिशिंग के साथ बनता है हालांकि आप इसको कैनवास के ऊपर भी बना सकते हैं आप देखिए पट्टी को हम नेक के ऊपर रखेंगे इसके बराबर और एक पैर का दबाव लेकर हमने नेक की राउंड शेप में सिलाई कर देनी है इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमने इसमें छोटे छोटे कर्ट्स लगा दिए हैं तो बस सिंपल सा नेक है आप समझ गए होंगे आगे क्या करना है मैंने आपको बताया आप इसको कैनवास पर भी बना सकते हैं पाइपिंग पर भी तो ये जो तरीका है ये सबसे आसान तरीका है आप किसी भी तरीके से नेक बना सकते हैं अब इस पट्टी को हम रॉन्ग साइड में टर्न कर लेंगे उसके बाद किनारे पर सिलाई लगाएंगे और पट्टी को अंदर डबल फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे तो बस ऐसे करके हमारा नेक भी तैयार हो गया है और ये देख सकते हैं आप बहुत ही ब्यूटीफुल नेक बना है सो so, इसको आप अपनी किसी भी प्लेन ड्रेस के साथ बनाइए और नीचे जो डिज़ाइनर फैब्रिक लिया है उसमें आप अपनी पसंद से जो भी फैब्रिक लगाना चाहते हैं वो लगा लीजिए इस डिज़ाइन को आप नेक स्लीव दामन और दुपट्टे पर भी बना सकते हैं तो चलिए यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है उम्मीद करूँगी वीडियो आपने लाइक करके शेयर कर दी होगी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो